हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एच पी टाट मेडिकल मेडिकल का जो आपका एग्जाम हुआ था इवनिंग सेशन में आज ट्वेंटी नाइन्थ जून को उसको हम डिस्कस करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं हम साइकोलॉजी पार्ट से व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निशन तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ए रहने वाला है नेक्स्ट इज द ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल टेंड टू डिस्प्ले तो कैसी एक्टिविटीज़ वो डिस्प्ले करेगा एग्रेसिवनेस करेगा वो सबसे ज़्यादा डिस्प्ले सो तो ए इज़ द राइट आंसर द नेक्स्ट इज़ द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय तो ये किसने दी थी इसका करेक्ट आंसर ए रहने वाला है नेक्स्ट इज रोहन वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन द गेम बट वुड ऑल्सो लाइक टू अवॉइड इंजरी वट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन इज़ ही एक्सपीरियंसिंग इन द अबव सिचुएशन तो वो क्या है अप्रोच अवॉइडेंस जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फेस कर रहा है सी विल भी द राइट आंसर नेक्स्ट इज गेस्टाल्ट थ्योरी एन्फोसिस तो वो किस चीज़ पर फोकस करती है वो फोकस करती है आर टेंडेंसीज टू सी द पैटर्न एज अ होल हम बात करते थे हमेशा तो इस पर थोड़ा घुमा के ऑप्शन दिया गया है नेक्स्ट इज इन एन एक्सपेरिमेंट द ग्रुप विच रिसीव नो ट्रीटमेंट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड ग्रुप जिसको ट्रीटमेंट मिलता है उसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोलते हैं नेक्स्ट इज विच मेथड ज मेड एजुकेशन साइकोलॉजी एस साइंस तो एक्सपेरिमेंटल मेथड डी इज द राइट आंसर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड बिगेन्स फ्राम हेड टू हेड देन टूवर्ड्स द फीट दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ डिवेलपमेंट तो कौन सी है ये प्रिंसिपल आपका है डायरेक्शन का डेवलपमेंट का कौन सा डायरेक्शन का प्रिंसिपल है जिसमें हमने स्फेलो स्फेलो कॉडल पढ़ा था यह हेड टू टो वाला जो है वो स्पैलो कॉडल है एंड आपका एक प्रॉक्सिमो डिस्टर्ल भी होता है जो आपका सेंट्री से पैर फिरी के लिए होता है सो एज Answer Next is which of the following implications can't be derived from Piaget's theory of cognitive development children's desire to learn, need of verbal teaching, expecting uh, acceptance of individual differences, discovery of learning. So, Piaget's need of verbal teaching we will be the right answer. Next is which of the following is not a fundamental principle of programmed learning. सो so, इसमें जो है मेरे हिसाब से आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस मेरे हिसाब से पैसिव रिस्पॉन्डिंग क्योंकि प्रोग्राम लर्निंग है तो उसमें Passive responding क्यों D is the right answer. Next is according to Piaget theory of cognitive development, the period from seven to uh, twelve years is known as your concrete operational stage. B will be the right answer. Next is which of which theory of learning emphasis on making the student active for the discovery of knowledge? Uh, इन प्लेस ऑफ बिकमिंग अ पैसिव लिसनर ओनली सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है डी कंस्ट्रक्टिविस्ट वाली जो थ्योरी है सो डी विल बी द राइट आंसर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अरेंज द कोहलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस सी मेरे हिसाब से जो सीक्वेंस रहने वाला है वो बी है क्योंकि सबसे पहले पनिशमेंट और ओबीडियंस ओरिएंटेशन ही आती है बच्चे में कि uh, पहले बच्चे को कोई लॉज नहीं पता होते कुछ रूल्स नहीं पता होते उसको ये पता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो उसके बाद ही जो आपका क्या है मतलब आपको पनिशमेंट मिल सकती है इस काम के पीछे ये आपको रिवॉर्ड मिल सकता है फिर उसके बाद आपके क्या और आता है तो मैंने सिर्फ एक वो वाला चेक किया जैसे बी का सेकेंड फर्स्ट आपका यही जा रहा है ठीक सबसे पहले यही आता है तो बी विल बी द राइट आंसर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो तो जो एक्सट्रोवर्ट होंगे सोशली वेरी एक्टिव एंड सेंसिटिव ये तो एक्टिव तो होंगी वो बहुत ज्यादा आपको पता है एक्सट्रोवर्ट हैं ऑलवेज फाउंड बिजी इन थिंकिंग मे बी मे मे नॉट एम्फोसिस ऑन इंडिविजुअल वर्क रादर देन द ग्रुप वर्क ऐसा नहीं होता एक्सट्रोवर्ट्स आपको पता है फ्रेंडली होते हैं उनको सबका मतलब वो आउटलुक ले, लेते हैं फ्लेक्सीबल आउटलुक एंड फ्रेंडली इन बिहेवियर इन नेचर फ्री फ्रॉम इमोशनल प्रॉब्लम्स सो मेरे हिसाब से मे बी इसका राइट आंसर फर्स्ट करेक्ट है देन आपका फोर्थ करेक्ट है एंड फिफ्थ भी फिर करेक्ट ही होगा तो सी इज़ दी राइट आंसर ठीक है आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस दिस आंसर तो आंसर की का वेट भी कर सकते हैं हम बट मेरे हिसाब से थर्ड वाला जो है सी वाला जो है वो ठीक है ठीक है uh, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन हमने ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू इरिक्सन थ्योरी ऑफ स्टेज डेवलपमेंट इन विच स्टेज द आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन जो आपको पता है आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूजन कब आता है एडोलसेंस में आते हैं कि अपनी आइडेंटिटी बना रही है या क्या कन्फ्यूजन उसको रोल में हो रहा है सो डी सी राइट आंसर विच वन फैक्टर विच वन इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ मेमोरी सो थिंकिंग इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ मेमोरी ठीक है नेक्स्ट इज टीचिंग थ्रू अ डिडक्टिव मेथड मीन्स डिडक्टिव मेथड का मतलब क्या है जर्नल से स्पेसिफिक टूवर्ड्स जाना है ठीक है आप क्या रूल्स हैं जो हैं जर्नल रूल्स को स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के टूवर्ड्स ले जाते हैं नेक्स्ट इज द स्टिमुलेस दैट ऑटोमेटिक मैटिकली प्रोड्यूस रिफ्लेक्स इज नोन एज तो हम उसको क्या बोलते हैं अनकंडीशन स्टिमुलस बोलते हैं इज द राइट आंसर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू एजुकेशन एंड कैरिकुलम रीस्ट्रक्टरिंग स्ट्रक्चरिंग हैज़ बीन डन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ थ्री टू एटीन ईयर्स तो कौन सा किया है फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर वाला किया है सो डी इज द राइट आंसर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एट वट लेवल डज द चाइल्ड अडॉप्ट रूल्स अभी भी मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया तो डी डी कन्वेंशनल लेवल आपके तीन लेवल्स होते हैं तो कन्वेंशनल लेवल पे वो करता है सेकेंड लेवल जिसको हम बोलते हैं सो डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टूरू एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ए है डिस्कशन अबाउट जेंडर बाइसनेस मतलब आप जितनी इस पर चर्चा करते रहोगे उतना बच्चा उस चीज़ से मतलब क्या है एक इफ़ेक्ट उसके दिमाग पे बैठता रहेगा ठीक है बाक़ी तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट इज अ टेस्ट मेजर्स एंड इंडिविजुअल एबिलिटी कंसिस्टेंटली एक्यूरेटली देन द टेस्ट इज सेट टू बी रिलाइबल प्लीज़ द राइट आंसर नेक्स्ट इज टीचर कैन इनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लास रूम बाई एम्फोसिसिंग ऑन कन्वर्जेंट लर्निंग कन्वर्जेंट लर्निंग होते हैं कि आप बहुत सारी रिलेशंस मतलब बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स uh, uh, बहुत सारे मेथड से जो सॉल्व हो सकते हैं आप एक मेथड से करते हो तो वो कन्वर्जेंट है मतलब एक पॉइंट पे आके आप मीट कर रहे हो तो फिर वो नहीं होता है आपको पता है क्रिएटिव लर्निंग हमेशा डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं uh, तो इसके बाद क्या है डिसनकेजिंग डिसनक्रेजिंग लिखा है तो डाइवर्जेंट थिंकिंग वहीं पर गलत हो जाता है आपका इंकरेजिंग मल्टीपल प्रस्पेक्टिव एंड एप्रिशिएटिंग ओरिजिनल इंकरेज कर रहे हो आप बाकी दो में तो आपको वैसे डिस्करेजिंग लिखा था तो आप वहां से वो वैसे um, कर सकते राइट तो आंसर right बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की वच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज सो फैमिली हमेशा फैमिली और नेबरहुड हमेशा फर्स्ट में रहती हैं आपकी प्राइमरी में रहती हैं तो so जहां जहां फैमिली आ रही है वो वैसे ही आपका गलत हो जाता है फिर आपके पास स्कूल और मीडिया बचता है नेबरहुड भी आपकी किस में आती है प्राइमरी में

आप आंसर की का वेट कर सकते हो नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू जॉन डी वी स्कूल इज इज़ अ डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ डैश प्रोसेस तो ये सोशल आएगा सोशल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल प्रोसेस ए विल बी द राइट आंसर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द सिलेबस फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन शुड बी तो वो वोकेशनल ट्रेनिंग्स uh, जो है आपकी वो रहती है सो डी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज़ विच पा विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच स्पोर्ट्स कोऑपरेटिव लर्निंग सो मेरे हिसाब से इसमें जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो डी रहने वाला है एम नॉट श्योर इस आंसर के लिए भी सो डी विल बी राइट आंसर फॉर मी नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशनल सो सबसे पहले क्या होता है आपको नीड होती है किसी चीज़ की फिर वो ड्राइव उसको अराउजल uh, होता है उसको ठीक करने का मतलब उसको करने का फिर आपकी एक ड्राइव आती है एंड फिर इंसेंटिवस आते हैं फिर आपका क्या है सो बी विल बी द करेक्ट आंसर आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल थी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड um, जो ये वीडियो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच